हेलो गाइस, राधिका को खास लाइफ स्टाइल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक हमारे यहाँ का मार्केट लेके जाने वाली हूँ, उल्लासनगर मार्केट, जो बहुत ही ज्यादा फेमस है। यहाँ के लोगों को, स्थानिक लोगों को तो मालूम ही है, लेकिन बाहर के जो है उन्हें नहीं मालूम है। तो बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छे जो भगवान की वगैरह वस्तुएं रहती है वो बहुत ही अधिक अच्छे अच्छे मिलते हैं। वैसे तो हम लोग थाना दादर वगैरह जाते हैं, लेकिन अभी कोरोना की वजह से सब बंद है, तो मतलब उतना लंबा जाना नहीं हो सकता। तो हमारे जो नजदीक का मार्केट है वहां हम जा रहे हैं, तो उल्लासनगर मार्केट मुझे बेस्ट लग रहा है भगवान की वस्तुओं को लेने के लिए। मतलब वहां रेट बहुत कम रहते हैं बाकी जगहों के हिसाब से। तो चलिए, आज मेरे साथ में इस मार्केट का आपको टूर करवाती हूँ। अब पता नहीं मैं कितना वीडियो ले पाऊंगी, क्योंकि उल्लासनगर मार्केट मुझे मालूम है कि बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। अब कोरोना की वजह से नहीं मालूम होगी नहीं होगी, लेकिन और आज मैं वीकेंड में नहीं जा रही, वीकेंड में जो सैटरडे संडे अगर हम जाएंगे तो बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, मतलब हम चल ही नहीं सकते, इतना ज्यादा भीड़ रहता है वहां पे। तो इसलिए मैं अभी वीकेंड के दूसरे टाइम जा रही हूँ, इस वजह से मैंने वीकेंड को अवॉइड किया था जाना। तो आज देखते हैं कितनी भीड़ मिलती है। गणपति की वजह से तो भीड़ तो रहेगी वहां पे, गणपति की खरीदी करने के लिए लोग बहुत ज्यादा आते हैं, लंबे लंबे से आते हैं लोग खरीदी करने के वहां पे, और बहुत ही अधिक अच्छी वस्तुएं मिल जाती है, सस्ती मिलती है। मेन मतलब आपको ना अच्छी वैरायटी भी देखने को मिलेगी और सस्ता भी मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, जितना हो सके मैं कवर करने की कोशिश करूंगी मार्केट में। मैं अपने घर के गणपति बप्पा के लिए सामान लेने वाली हूँ, तो साथ साथ मैं आपको मार्केट भी दिखा दूंगी, मार्केट भी घुमा दूंगी। मेरा बेटा मेरे साथ चल रहा है, उसको इलेक्ट्रिक के जो सजावट के सामान है उसे लेने हैं, तो सजावट वगैरह वो ही है, बच्चे ही करते हैं, तो उसके पसंद का वो लेगा, तो मैं साथ में रहूंगी। और बाकी जो भगवान के सामान है वो सब मुझे लेना है, काजू बादाम वगैरह लेना है, तो वो सब आपको पूरा मार्केट दिखाती हूँ। चलिए, आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अब इतना मेहनत करते हैं गाइस, तो थोड़ा लाइक तो बनता ही है ना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जब कर दीजिएगा। तो चलिए, तो ये गजानन मार्केट हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे हर प्रकार की चीज़ें, सस्ती चीज़ें मिलती है, मतलब यहाँ कपड़े भी बहुत सस्ते मिलते हैं, चप्पल जूते भी आपको सस्ते मिलेंगे, लेकिन क्वालिटी का कुछ गारंटी नहीं रहता, तो कपड़े तो मैं यहाँ से कभी नहीं लेती हूँ। लेकिन जो अलग अलग त्यौहारों में ना यहाँ पे अलग अलग चीज़ें मिलती है, जैसे जन्माष्टमी रहेगा तो जन्माष्टमी की चीज़ें रहेंगी, अभी गणपति है तो गणपति का है, होली रहेगा तो होली का। वैसे वैसे शॉप वाले उस चीज़ को बदल बदल के लगाते रहते, देखिए अभी गणपति है तो सारे दुकानों में गणपति बप्पा के लिए ही कंटी, अलग अलग प्रकार के कंटी देखने को मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के उनके लिए कपड़े देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से मुझे ये मार्केट बहुत ज़्यादा पसंद आया था। लास्ट ईयर भी मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, जब से कोरोना चालू हुआ उसके बाद से मैं उल्लासनगर आने लग गई थी। तो देखिए ये हार वगैरह जो भगवान को सजाने के लिए जितनी वस्तुएं हैं बहुत ही अधिक सुंदर सुंदर मिलती है, और रेट बहुत कम रहता है, मतलब यहाँ पे जो बाहर की अपेक्षा रेट बहुत ज़्यादा कम रहता है। तो इसलिए मैंने ये मार्केट में आने का सोचा, और इस तरह से मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो निकालूँ, आपको भी दिखा दूँ। जिन्हें मालूम नहीं है, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्हें तो मालूम है, पर जिनको नहीं मालूम है उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। कंठी के आपको अलग अलग प्रकार देखने को मिलेंगे, अलग अलग डिज़ाइन देखने को मिलेंगे, और एकदम सस्ती से सस्ती कंठी भी मिलेगी, और आपको और ज़्यादा महंगी चाहिए तो वो भी मिलेगी, लेकिन जहाँ तक रिजनेबल रेट रहता है और डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर है। मैंने तो बहुत सारी खरीदी कर ली, देखा जाए तो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि ये अभी गणपति तक ही रहेगा, अभी और 4-5-6 दिन रहेगा ये, उसके बाद में ये हट जाता है। ये छोटा हो जाएगा ना, ये छोटा हो जाएगा, हाँ ये दे दो, ये वाला, उसमें कलर है क्या? इसमें ब्लू कलर है। ये क्या है, ये कंठी है क्या छोटी सी? हाँ भैया, ये क्या चीज है? ये भी कंठी है ना? दिखाओ, रेट खोल के दिखाओ। ये ग्रीन कलर, अरे ऐसा कंठी है, अच्छा लग रहा है, ठीक है रखो उसको, मैं देखती हूँ। कितने का ये? 180। इसमें दूसरा डिजाइन दिखा दे रहा हूँ, घर पे घर घर खड़ी होंगे पापा का भी। कितने टी आवल टी कलर? ये हमारे हाँ कलर बिटला से सेल। इसमें कलर भी देख लिया, ये का मिलेगा तो इसमें व्हाइट में। सेम कलर उसमें नहीं आ रहा है, ये 150 का है। मैं कलर की कर। हाँ वही भी मस्त है। ठीक है, ये वाला दे दो, ये वाला दे दो। और एक का दे देना, और डिजाइन दिखा दो इसमें। ये कंठी वाले में डिजाइन दिखाओ जरा, आणि हे सांग वो ये गले का पहनने का, हाँ ये डिजाइन वाले का बोल, ऊपर वो सामान ले रहा था, बोला आपके ऊपर से डिजाइन नहीं है, मैंने कहा उसको ना मैं पहले ना बोलूं, बात कर रहा था, और अलग अलग डिजाइन भी दे देना। शक्ति और अरुण को ओके ओके, कितने बोलता है? 80 रुपये जोड़ी, 22 रुपये जाएगी।
दे देना मारा दोनों जोड़ा देना, एक रेड वाले ले और एक ब्लू वाले ले। और ये डेकोरेशन के झालर से अलग अलग प्रकार के जो भगवान के चारों तरफ जो डेकोरेशन करते हैं उसके लिए हैं, तो हम लोग को लक्ष्मी के लिए लगता है, महालक्ष्मी को के लिए डेकोरेशन के लिए, तो उसके लिए अभी ये पसंद कर रहे हैं झालर्स। और ये देखिए सुंदर सुंदर आसन हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन के, और बहुत ही रेट बहुत ही रिजनेबल थे। दिखा दो कलर भी दिखा दो, इतना कलर यहाँ पे रख दो ना, ऐसा ऐसा फैला दो, दो ही कलर है क्या? ब्राउन था ना, ब्राउन दे दो एक और एक रेड दे दो, येलो नहीं है क्या? येलो नहीं, ब्राउन और रेड दे दो। तो मैंने अपने पसंद से अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन किए और अलग अलग कलर के पप्पा के लिए थोड़े आसन ले लिए, थोड़े से कंठी ले लिए और शो के जरा वस्तुएं भी ले ली हैं। और अब हम ये लाइटिंग की तरफ जा रहे हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के लाइटिंग हम लेते हैं हर साल, थोड़ा ना थोड़ा तो लेते ही हैं, महालक्ष्मी के पीछे भी लगाने के लिए वगैरह लगता है ये जो डेकोरेशन के लिए। तो ये तो मेरे बेटा अपने पसंद से कर रहा है, जो उसको पसंद आ रहा वो ले रहा है, क्योंकि लाइटिंग का वगैरह जवाबदारी जो वो उसका ही रहता है, वही करता है डेकोरेशन वगैरह, बच्चे मिल के करते हैं सब। तो यहाँ ये लाइटिंग के लिए तो हर साल उल्लासनगर ही आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अधिक वाजिब दाम में लाइटिंग मिलते हैं, रेट बहुत कम रहता है और अच्छे अच्छे डिज़ाइनर भी रहते हैं यहाँ पे लाइटिंग। तो ये हर साल ये लेके आता है बेटा, तो वो ये उसके पसंद का ले रहा है, मैंने भी कुछ कुछ थोड़े पसंद किए, अपनी पसंद बताइए उसको। सिंगल कलर में बड़ा ये लीजिए 150 रुपया, ठीक है येलो कलर है येलो। तो ये लाइटिंग की भी खरीदी हो गई हमारी, इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे वैराइटीज पसंद किए और लिए, और रेट भी बहुत अच्छा लगाया था, नए नए डिज़ाइंस आए थे तो फिर ले लिया उसने अलग अलग टाइप के। यहाँ पे ड्राई फ्रूट का होलसेल का अच्छा मार्केट है, 6-7 दुकानें हैं जहाँ पे होलसेल में मिलते हैं ड्राई फ्रूट्स, यहाँ जो अलग अलग वैरायटी मिलती है और रेट भी बहुत रिजनेबल रहता है। काजू भी दिखा दो, 220 और 240 दोनों निकालो। जास्त मोटे का एक एक है सर, हाँ एवडो काय करायचे, 220 से कम वाला कौन सा? 220 वाला दे, चने का पैकेट दे, किलो 100 वालो कैसा बोल रहा, किसको अखरोट भी कर दो, ये 220 का आएगा, 350 60 रुपये पाओ। तो अभी जस्ट हम आए, रिटर्न आए मार्केट से, आपने देखा ही कितना, मतलब जैसा भीड़ था, वो फिर भी इतना ज़्यादा भीड़ नहीं था लेकिन फिर भी था भाई, बहुत हैक्टिक था। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या सामान लाया है, जो जो खरीदी की है, वो उसकी थोड़ी एक झलक आपको दिखाती हूँ। ये आर्टिफिशियल झालर लिए हैं, फूलों के जो आर्टिफिशियल झालर थे वो लिए, ये इलेक्ट्रिक के सब अलग अलग प्रकार के डिज़ाइनर इलेक्ट्रिक के जो सामान थे, इलेक्ट्रिक के जो झालर थे वो लिए हैं, स्टार के झालर अभी न्यू निकले हैं वो भी लिया है, और मुझे ये यूट्यूब के लिए भी चाहिए था तो दरअसल मैंने ये लिया है। और ये सब सारे जितने प्रकार के ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, सारे प्रकार के ड्राई फ्रूट्स मैंने ले लिए हैं, बार बार जाना हो नहीं पाता उल्लासनगर तो मैंने ले लिया पूरा ड्राई फ्रूट जितने प्रकार थे वो। और ये भगवान के लिए अलग अलग प्रकार के मैंने कपड़े लिए हैं भगवान को पहनाने के लिए 10 दिन, ये आसन है मुझे फैक्ट्री में भी लगता है तो दैट्स व्हाई सब लिए हैं। तो चलिए गाइज, होप सो आपको आज का मेरा ये मार्केटिंग पसंद आया होगा, और मैंने जो आपको उल्लासनगर घुमाया है आई थिंक सो वो भी पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो मुझे ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा आज का वीडियो, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए गाइज, आपको ऐसे ही अलग अलग नए नए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। होप सो आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो को टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक।